प्यारे बच्चों, वेरी शॉर्ट के अंदर ये प्रॉब्लम नंबर 11 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। आपके 20 मार्क्स सिक्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट वीडियो भी डलें, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो भी हैं वो अपलोड किए जाएं और शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोड किए जाएं। तो इसके लिए मेरा ये प्रयास है कि मैं क्यों ना आप लोगों को हर एक चैप्टर का, ट्वेल्थ का जो कुछ है, उन सब के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो आपको देता रहूं। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 11 है, हमसे क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। इसमें एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं, अगर ये क्वेश्चन ना भी पूछे गए तो भाई ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार करके जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ें, आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फंडे क्लियर होंगे, दूसरा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर या फिर सॉल्यूशन। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट वर्क वेल ऑन द ह्यूमिड डेज, गिव द रीजन। हमसे कह रहा है कि अगर ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी आप समझते हैं हवा के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाना, ये ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो जब ह्यूमिडिटी होती है तो उस कंडीशन में जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें चार्ज का एक्युमुलेशन होना होता है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं किए जाते। क्यों? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है गाइस कि जो ड्राई एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन जो आपके पास ह्यूमिड एयर होती है ना, ह्यूमिड एयर के अंदर क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और आयंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमिड एयर होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, जब आप कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो जो भी चार्ज एक्युमुलेट होता है वो चार्ज एयर के अंदर प्रेजेंट आयंस की वजह से डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है, वो एयर के अंदर चला जाता है, तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट एक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो यही रीज़न है, रीज़न जो पूछा आपसे वो क्या रीज़न है, तो रीज़न ये है कि जो ह्यूमिड एयर होती है वो अच्छी कंडक्टर होती है, क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस की वजह से वो ड्राई एयर के मुकाबले, ड्राई एयर तो होती नहीं है, ड्राई एयर के मुकाबले ह्यूमिड एयर जो होती है ना एक्चुअल में थोड़ी अच्छी कंडक्टिंग नेचर की होती है, क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो यही रीज़न है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आंसर लिखेंगे क्या, एज कंपेयर टू ड्राई एयर ह्यूमिड एयर इज गुड कंडक्टर ड्यू टू presence of ions in it. So when we perform electrostatic experiments, the charge gets transferred from our experiments to humid air, humid ऐसा लग रहा है हेयर बोल रहा हूँ लेकिन ह्यूमिड एयर बोल रहा हूँ, ह्यूमिड एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। इसको आप अपनी तरह से और अलग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, चीज समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या किया है, एज कंपेयर टू ड्राई एयर ह्यूमिड एयर इज गुड कंडक्टर, अच्छी कंडक्टर होती है। अब क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन इट, उसके अंदर आयन होते हैं जिसकी वजह से वो अच्छी कंडक्टर होती है। सो व्हेन वी परफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट्स, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, द चार्ज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम आवर एक्सपेरिमेंट्स टू द ह्यूमिड एयर, हमारे एक्सपेरिमेंट से चार्ज निकल करके कहाँ पहुँच जाता है, ह्यूमिड एयर में पहुँच जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, जो आयन प्रेजेंस होते हैं ह्यूमिड एयर में वो ऐसा करवाते हैं।
जिसकी वजह से हमारा जो सेटअप है या फिर एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, रीडिंग में मज़ा नहीं आता। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा, एक बेसिक और अच्छा नॉलेजेबल क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।